तो गाइस ये मेरा फिल्म स्टूडियो का सेकेंड वीडियो है। मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया जिसमें मैं थोड़ा बहुत बेसिक बता दिया था, और ये वीडियो भी मैं बता पहला वीडियो में बता भी दिया था कि मैं अब सेकेंड वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें डायरेक्ट मैं सॉन्ग से ही स्टार्ट करूंगा। सॉन्ग पर ही जब जो चीज़ का जरूरत पड़ेगा तो मैं उसी के बारे में उसी टाइम उसके बारे में अच्छे से मैं बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कोई भी एक सॉन्ग ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यही सॉन्ग जैसे ले लेता हूँ। तो सॉन्ग तो पहले सबसे पहले आप FL स्टूडियो में या दो तरह से यहाँ पे यहाँ भेज सकते हैं, जैसे या तो यहाँ डायरेक्ट छोड़ दीजिए इस पे तो आ जाएगा, और एक और तरीका है तो उस तरीका में अगर डालिएगा, जैसे कि अभी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक चीज, जैसे कि यहाँ पे आपको एक ट्रैक करके उस नजर आ रहा है वो। तो सबसे पहले मैं इसमें अभी जैसे अभी ट्रैक पे आप जाइएगा तो इसमें मैं फिर से एक बार सॉन्ग फिर से इसमें भेजता हूँ, जैसे कि सॉरी। तो इस पर ट्रैक पे भेजिएगा तो यहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑडियो ट्रैक पर ही डालिएगा आप, ठीक है। ऑडियो क्लिप पर भी डालिएगा तो वो भी काम करेगा, बट यहाँ पे ऑडियो ट्रैक पे ही डालिएगा, ट्रैक्स पर ही। तो ये आपको यहाँ पे आपको पूरा सॉन्ग यहाँ पे आपको आ जाएंगे। वैसे भी वो भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका ठीक है जो इससे पहले मैंने बताया, तो दोनों तरीका से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ये क्या होता है। ये इससे पहले मैं एक बार ये चीज बता देता हूँ। सॉन्ग भी जब प्ले करेंगे तो यहाँ पे सॉन्ग दो कंडीशन में बजता है, या तो फास्ट मूड में या तो स्लो में। तो ये सॉन्ग मैं बहुत ज्यादा ही कम प्ले करके बहुत कम ही प्ले करूंगा, क्योंकि यहाँ कॉपीराइट का भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए तो उसी को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं बहुत कम ही सॉन्ग को सुनाऊंगा, और आप अगर जैसे मैं अभी एडिट कर रहा हूँ उसी तरह आप मेरे साथ एडिट करते रहिएगा, अभी प्रैक्टिस करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये सॉन्ग फास्ट है कि स्लो है, तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज आती है यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये छोटा सा। तो सबसे पहले उस पर क्लिक करेंगे, मैं क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये देखिए ये ब्रश हर समय चेंज होता रहता है। अगर सॉन्ग पे डालिएगा तो यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, फिर ट्रैक के अति पे डालिएगा, लिस्ट पे डालिएगा तो यहाँ पे अलग होगा। और यहाँ पे छोटा सा एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अच्छे से, यहाँ पे वेब का एक चिन्ह बना हुआ, तो इस पर जैसे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं है, ये सॉन्ग का जो फास्ट और स्पीड जो स्लो और फास्ट का जो टेम्पो होता है तो वो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा ये कितने टेम्पो के सॉन्ग बना हुआ है पहले से ही। तो सबसे पहले आपको डिटेक्ट टेम्पो करना पड़ेगा। डिटेक्ट टेम्पो में आपको या तो सॉन्ग को 75 से 150 करिए या तो 100 से 200 करिए। तो सबसे पहले मैं अभी 75 से 150 तक पर ही रख के भी करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पे करने में ये टाइम लगाता है तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो कोई मैटर नहीं है। 107.00 BPM। तो आपको यहाँ से इसको कैंसिल कर देना, नो नो कर देना है, नो कर देना, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 104 कर लेना है, 104 कर लेना। मैं इससे आसान तरीका बता देता हूँ, जैसे कि मैं इस पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जब मैं ये सॉन्ग जब मिक्सिंग करूंगा तो उसमें वर्चुअल DJ की भी जरूरत पड़ेगा। तो अगर आपके लैपटॉप है या नहीं है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें मैं वो टेम्पो मतलब कि फास्ट सॉन्ग का टेम्पो इसमें बहुत आसानी से पता चल जाता है। देखिए मैंने अभी सॉन्ग पहले से इसमें पेस्ट करके रख दिया हूँ, मैं फिर से एक बार डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप या तो थोड़ा सा गाना को प्ले करके स्टार्टिंग से लेके एंड तक गाना प्ले करके देख लीजिएगा तो आपको टेम्पो यहाँ पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 104.01,
एफएल स्टूडियो भी बताता अच्छे से टेम्पो, बट आप कोशिश करिएगा कि मैं वर्चुअल डीजे से पता करूं, क्योंकि अलग अलग सॉफ्टवेयर में अच्छे अच्छे चीजें बताते हैं, वो गलत नहीं बताते। एफएल स्टूडियो में कभी कभी वो गलत भी टेम्पो बताने लगते, तो इसलिए मैं वर्चुअल डीजे का यूज करता हूँ टेम्पो के लिए, तो इसको काट लेते हैं, इसका यूज वहीं तक था। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको यहाँ पर 104, जैसे ही कि आप 104 पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये सॉन्ग अप डाउन भी हो रहा है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे 104 कर लेता हूँ। अगर आपको नहीं हो पाए तो आप मेरे हिसाब से यहाँ पर भी जाइएगा, तो यहाँ पे अगर आपको जब टेम्पो पता चल जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट आपको फिट टू टेम्पो करना पड़ेगा, फिट टू टेम्पो। ठीक है, फिट टू टेम्पो करने से आपको जो सॉन्ग जो अभी यहाँ पे जो डाले हैं वो सॉन्ग आपको फिट हो जाएगा 104 टेम्पो पर ही। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसमें फिट कर लेता हूँ, फिट करने के बाद 104 टेम्पो है, तो मैं यहाँ जैसे कि अगर ये 200 से पार रहा था तो आप 100 से 200 के बीच में रखते, अभी मेरे 104 104 ही है, तो अभी 50 से 100 के बीच में ही रखते हैं, सॉरी 75 से 150 के बीच में, तो ये भी थोड़ा होने में थोड़ा यही टाइम लगेगा आपको। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे टेस्ट नजर आएगा, टेस्टिंग ले रहा है सॉन्ग का, फेवरेट बहुत कुछ यहाँ पर भी आपको डिस्प्ले में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे सॉन्ग का डिटेल भी आपको अच्छे से मिल जाएगा, ये सॉन्ग क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा ये फिट हो गया है। तो फिट होने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज में बता देता हूँ, जैसे कि सॉन्ग मिक्सिंग करने से पहले सॉन्ग को, जैसे कि सॉन्ग में बहुत सारे बेस रहते हैं, किक रहते हैं, किक बेस एक ही हुआ, किक रहते हैं बहुत सारा, उसमें म्यूजिक पहले से भी ऐड रहता है, तो उसको सबसे पहले आपको सबसे पहले सॉन्ग को मास्टरिंग करना पड़ेगा, और उसमें से जितने भी अंदर में जो म्यूजिक बजते हैं उसको सबसे पहले आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हटाने का तरीका मुझे बहुत फर्क आता है, मैं बहुत इजी तरीका में बताने वाला हूँ इसमें। तो जैसे कि सबसे पहले ये सॉन्ग, ये वीडियो अगर बात करें तो ये वीडियो स्पेशल आपको मास्टरिंग के ऊपर है, जो सॉन्ग को मास्टरिंग करता है, जैसे कि उसमें से बेस किक्स मतलब एक्स्ट्रा जितने भी म्यूजिक इसमें आपको नजर आ रहे हो वो सब में हटाने का, इसमें ही तरीका बता देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो इसलिए। तो इसमें जैसे कि आप जैसे डबल क्लिक करिएगा तो आपको एक एक टास्क, सॉरी ये जो भी खुल रहा है कोई नहीं पता, तो डबल क्लिक करिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाएगा। ऑप्शन खुलने के बाद आपको यहाँ पे एक कुछ नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस पर डायरेक्ट क्लिक करिएगा, तो क्लिक करने के बाद रूट टू फ्री मिक्सिंग ट्रैक, ठीक है, इस पर क्लिक कर दें। मैंने कल आपको ये चीज दिखाया था फर्स्ट वाले वीडियो में, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे प्लगइन मिल जाएंगे, आपको इस साइड का जितना ही प्लगइन है इस साइड का ये पूरा हो जाता है, आपको ये इफेक्ट है, और इधर का जितना है ये हो गया जाए, जैसे कि आप कोई भी किक यूज करते हैं या यहाँ से आप म्यूजिक बना सकते हैं इस इधर वाले से, और इधर वाले हो गया जैसे कि इफेक्ट यूज कर सकते हैं। मैं इफेक्ट के बारे में बताऊंगा और इस सब के बारे में मैं धीरे धीरे वीडियो में बताता रहूंगा बीच बीच में। ठीक है, तो अभी मैं सॉन्ग पर इफेक्ट यूज करने वाला हूँ, सॉन्ग को मैं पतला करूंगा, म्यूजिक हटाऊंगा, तो देखिए कैसे हटाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा अभी 6 पर है, ये सॉन्ग 6 पर है, 6 पर ही, जैसे कि आप बजाइएगा यहाँ पर ये देखिए, और मैं अभी मिक्सिंग ट्रैक को डायरेक्ट लेके आता हूँ यहाँ पर से, देखिए देखिए यहाँ मैंने इसके बारे में फर्स्ट वीडियो बताया हूँ, तो जैसे कि आप F9 पर भी देखिए, यहाँ पे एक आपको डिस्प्ले नजर आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो F9 डायरेक्ट शॉर्टकट की है, अगर शॉर्टकट की पता करना है तो आपको इस सब पर लेके अगर बटन लेके जाइएगा वहाँ पे आपको शॉर्टकट की भी मिल जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे के शॉर्टकट मिल जाएंगे आपको, यहाँ पर भी देख रहे हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा शॉर्टकट की। ठीक है, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप शॉर्टकट की इसके लिए बहुत ज्यादा काम का चीज है, क्योंकि शॉर्टकट अगर याद रहेगा तो आप बहुत सारे स्पीड मतलब बहुत स्पीड में आप सॉन्ग मिक्सिंग कर सकते हो। तो इसके लिए डायरेक्ट मैं यहाँ पे F9 दबाऊंगा, या तो डायरेक्ट आपको क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे स्पेस टी तो आपको सॉन्ग सॉन्ग भी बजेगा, तो मैं सॉन्ग को अभी बजाऊंगा नहीं, देख सकते हैं कि अभी सॉन्ग बज रहा है ना, तो मैं अभी सॉन्ग सुनाऊंगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा ताकि कंफ्यूजिंग नहीं हो आपको किस ट्रैक पर आप डाले हुए मिक्सिंग का, इंसल्ट किए, इंसल्ट हाँ इंसल्ट किए हुए जो भी, तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे
कुछ मिल रहे हैं यहाँ पे। तो इसी में आप कितने इफेक्ट यूज कर सकते हैं, 1, 2, 3, मतलब 10 इफेक्ट आप यूज कर सकते हैं इसमें। इसमें तो सबसे पहले मैं इसमें यूज कर लेता हूँ। जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करिएगा तो आपको आपको फोटो के साथ नजर आएगा, और जैसे ही आपको लेफ्ट क्लिक करिएगा तो इसमें नाम के साथ आएगा। तो मैं इसमें सबसे पहले लेफ्ट क्लिक कर लेता हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं इसका यूज कर लेता हूँ, फ्लोटिंग पैरामीटर EQ2, ठीक है। तो इस पर डबल क्लिक करेगा तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे इसका बहुत अच्छा यूज है, देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक करेंगे तो ये बड़ा भी हो जाएगा। तो सॉन्ग को अभी मास्टरिंग करने के लिए सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये फर्स्ट नजर आ रहा होगा आपको, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर्सर पकड़ के इसको डायरेक्ट यहाँ पे 200 के बीच में लेके आ जाएगा। 200, इसको भी 200, ठीक है। यहाँ पे 7 है तो इसको डायरेक्ट डायरेक्ट 2000 पे, देख सकते हैं, 2000 पे डाल लीजिएगा, ठीक है। और 2000 पे डालने के बाद आप थोड़ा सॉन्ग सुन थोड़ा बहुत, देख रहे हैं ना, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा काट कर फिर एक बार ये यूज कर लेता हूँ मैं। कहाँ गया, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लेते हैं इसको, और यहाँ पे DEC करके कुछ नजर आएगा। इसको सबसे पहले आप पूरा अंतर कर देंगे रिसेट में अंदर, ठीक है। तो आपको थोड़ा, अभी मैं दो ही पर काम कर रहा हूँ तो From ठीक है। अभी ये सॉन्ग थोड़ा सा ज्यादा पतला तो नहीं हुआ, लेकिन मैं एक और यूज कर लेता हूँ। आप देखते रहेगा मैं कहाँ क्या यूज कर रहा हूँ, तो इसका भी यूज कर लेता हूँ मैं। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगा, धीरे धीरे आप भी अच्छे से सीख जाइएगा, ठीक है। ये मैंने पतला, मतलब कि इसको अभी मास्टरिंग कर दिया है। तो आपको आपको मैं सबसे पहले इसका यूज बता देता हूँ। वही बहुत अहमियत है, स्टार्टिंग में जब मैंने भी यूज किया था तो इसका यूज बहुत अच्छा था। तो आपको इसका यूज मैं बताने वाला हूँ, तो आप इसका कहीं थोड़ा अच्छे से यूज देखिएगा। देखिए मैं इसको बचाता हूँ, आपको कुछ सुनाई दे रहा होगा, टक तो ये हर एक यहाँ पे एक लाइन दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे अच्छे से आपको एक लाइन दिख रहा होगा, सॉरी ये लाइन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक लाइन दिख रहा होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो इसको लाइन दिख रहा है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे जैसे ये मैं इसको डालकर प्ले करता हूँ, देखें कहाँ पे ये कट कट हो रहा है। एक वहां होगा, फिर एक यहाँ होगा, फिर एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। आपको सॉन्ग का एक मेन चीज आपको खोजना है, जैसे कि सॉन्ग का, जैसे कोई भी सॉन्ग जब बजता है तो स्टार्टिंग म्यूजिक रहेगा, और उसके बाद आपको जहाँ सॉन्ग का स्टार्टिंग है तो वहां से ही मैं सॉन्ग का जो कि बेस जो होता है, किक जो होता है, वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा। तो आपको सबसे पहले वो खोजना होगा सॉन्ग में कि ये सॉन्ग स्टार्टिंग हो रहा है कहाँ से अच्छे से। तो मैं थोड़ा बहुत कम ही सुनाऊंगा सॉन्ग को, तो इसलिए आप थोड़ा सा ईयरफोन लगा कर यूज करिए। Download from my MP3 star. इसका थोड़ा मैं कुछ थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूँ, सॉरी 1 मिनट, आवाज चेंज कर रहा हूँ बस, और कुछ खास नहीं। जिसे कॉपीराइट नहीं लगे, यहाँ पे आप सुन सकते हैं, यहाँ पर भी किक का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसको आगे पीछे कर सकते हैं। इसको बटन को सबसे पहले ये जो आपको इस पर सॉन्ग पर डालेगा तो ये आगे पीछे भी होगा, आगे पीछे भी ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस लाइन पे लेके आना है जहाँ पे सॉन्ग का जो बेस स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा हमको डालना है इसके बीच में। तो अभी ये जो चम्बुक दिख रहा होगा, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, इसका जैसे जैसे सॉन्ग बनाएंगे वैसे वैसे मैं यूज करूंगा। तो आपको सबसे पहले चुम्बक पर लेके जाना है बटन को,
और इसमें सबसे पहले नन कर लेना, ठीक है। नन करिएगा तो ये अभी जहां मन वहां रख सकते हैं। अगर नन नहीं कर रहे तो अल्ट के साथ भी आप अल्ट बटन क्लिक करिएगा और आगे पीछे उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी सबसे पहले इसको यहाँ पर डाल लेता हूँ, आप सुनिए सो। Download from my mp3star.net. देख रहे किक यूज हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ star dot n, ठीक है, यहाँ पे आएगा। तो इसको सबसे पहले अच्छे से मिला लीजिए अपना, ठीक है, मिल गया। तो अभी सुन सकते हैं इसको, मैं सुनाता हूँ आपको, सुन लिया। तो आप इसमें सबसे पहले आपको खोजना है किक। तो FL Studio में इसमें अपना पैक्स सब दिया रहता है, जैसे कि मैं यहाँ पे पैक्स जाता हूँ, पैक्स में। तो पैक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ड्रम्स, क्लैप, हिट, किक, बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं सबसे पहले इसमें किक यूज करने वाला हूँ। आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे, यहाँ पे आप सुन सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपको पैक्स मिल जाएंगे। एक एक करके मैं सुना ना लोगों, तो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मैं इसमें डायरेक्ट ड्रम में जाने के बाद, किक में जाने के बाद कोई अच्छा सा जैसे किक ले लेता हूँ, ये ठीक लग रहा है ना। तो इसमें किक, मैं ये सिर्फ डेमो के लिए भी बता रहा हूँ। तो जब मैं हार्ड मिक्स करूंगा तो ये यूज नहीं करूंगा, मैं अपना खुद का पैक जो मैंने खोज खोज कर रखा हूँ। तो अगर वो भी चाहते हैं मैं अपलोड करूँ इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप मैसेज कर दीजिए, मतलब कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर भी वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूंगा पैक सब। तो इसमें सबसे पहले आप चम्बुक में जाइएगा। चम्बुक में जाने के बाद यहाँ पे 1/4 बीट पर ही ये पूरा सॉन्ग मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो अधिकांश मिक्सिंग जितने करते सब 1/4 पर ही मिक्सिंग करते, तो आप भी कोशिश करें कि 1/4 पर ही करें। तो मैं सबसे पहले इसको ले लेता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट डाल देता हूँ। तो इसको सबसे पहले छोटा कर लीजिए, तो इसको जैसे क्लिक करेगा उसके बाद डबल इस पर जैसे क्लिक करेगा उसके बाद यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ यहाँ डायरेक्ट इसको डालेंगे, वो ऑटोमेटिक पेस्ट होगा, देख लिए। अब इसमें बहुत सारा किक मिल जाएगा, आपको जो पसंद हो वो डाल सकते हैं, कोई कोई बात नहीं, जो डाल रहा हूँ वही डालिए। अब इसमें से कुछ अलग ले लेता हूँ कुछ, ठीक है, ये अच्छे से बैठाना होगा। तो आपको ये स्टार्टिंग बहुत प्रॉब्लम करेगा, ठीक लग रहा है ना। तो अगर ये पैटर्न आप बार बार यूज करते आगे भी लगाना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कंट्रोल और माउस, और माउस का जो बटन है उस पर क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और शिफ्ट बटन के साथ इसको ऊपर से इसको घसका देंगे तो ये कॉपी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आपको इसको आगे भी लगा सकते हैं, और आगे भी और पेस्ट करना तो यहाँ कंट्रोल बी के साथ आगे भी वो पेस्ट हो जाएगा। बट ये मैं यूज नहीं करता हूँ क्योंकि ये देखिए आगे पीछे कर देता है, इसलिए तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये भी मोर याद कर रखिएगा अपना बटन, मैंने कल फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैंने बताया था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रैक मिल जाएगा आपको। अगर आपको इसका क्लिप क्लैप को अगर इसमें डालकर डायरेक्ट इसमें डालिएगा, और ये जो किक है इसमें सबसे पहले इस पर डायरेक्ट ऑल पर करिएगा, तो जितना भी इसमें पैटर्न में प्ले लिस्ट में, सॉरी क्या है मैं ये भूल जाता हूँ, प्ले लिस्ट में जैसे 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 ये जो आप यूज कर रहे हैं ये सब इसमें भी आपको मिल जाएगा। तो
इसमें सबसे पहले मैं 4x4 ये 4 पेयर मैंने लगाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ये इस पर क्लिक करिएगा, सॉरी, इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे पैटर्न मिल जाएगा फर्स्ट, जो मैंने इस पर फर्स्ट में वीडियो में भी बताया था, तो आपको वो वीडियो अगर नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए। तो इस पर क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं वन वन फर्स्ट। यहाँ पे एक और चीज मैं अच्छे से बता देता हूँ, जैसे 1x4 बिट लिखा हुआ है, तो देखिए ये 1x4 पर ही यहाँ पे पेस्ट है, वन, ठीक है, 1 2 3 फिर 4, 1 2 3 4, ठीक है। जैसे तो यहाँ पे देख सकते हैं 1x6 पे क्लिक करिएगा, 1x6 पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर तो यही चीज है उसमें, बार बार, अगर जैसे जैसे सॉन्ग पर वो डिपेंड करता है कि आप सॉन्ग कैसा मिक्स करना चाहते हैं, तो 1x4, 1x3, 1x4, मतलब बहुत सारे हैं, तो 1x4 पे ही बनाएंगे हम सब। तो इसमें भी मैंने कल बताया, तो यहाँ पे वेव का आ जाएगा, जैसे ये सब जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पेस्ट होता है, ये है वॉल्यूम का, जैसे कि आप यहाँ पे आपको एक छोटा सा वेव नजर आ रहा, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको पेनिंग और वॉल्यूम का भी यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं इसको सबसे पहले मैं वॉल्यूम पर ले लेता हूँ, तो वॉल्यूम का अब किक है, तो यहाँ पे अप डाउन यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका कोई यूज़ नहीं, तो इसको भी डिलीट कर देंगे। तो मैं अभी पैटर्न पर हूँ, तो पैटर्न यहाँ से आप यहाँ से भी पैटर्न आप यूज करिए, या तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिए पैटर्न ऑटोमेटिक पैटर्न पर आ जाएगा। तो मैं इस पर अभी क्लैप का देखता हूँ, कुछ अच्छा सा मैं बनाकर कुछ यूज हो जाए। 1x4 लगा देने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं लग रहे थे इसको हटा के, तो ये वन पर ही डाला हूं मैं, तो इसको वहां पे डालता हूं, ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगा इसमें। तो इस तरह भी आप यहाँ पे बना सकते थे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ये बटन को। तो इसको अच्छा से डालने के लिए मैं इसमें यहाँ पे आप एक ऑप्शन नजर आ जाएगा, आपको पियानो रोल पे चला जाना है, पियानो रोल पे C5 पर ही काम करेंगे। तो इस पर सबसे पहले मैं एक बार इस पर भी आप 1x1 छोटा छोटा लगा सकते हैं, ठीक है, ये भी उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी 1x4 पर ही काम करेगा ये भी। तो इसको मैं डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ, ऐसा कुछ अच्छा लग रहा है। अब सॉन्ग कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसी तरह ये मिक्सिंग होता है। ये फर्स्ट वीडियो था, तो मैं अभी थोड़ा बहुत ही मैं बता रहा हूँ, ये तो बिगनिंग था, मतलब ये स्टार्टअप ही है, तो इसको थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और मैं कल आपको इससे थोड़ा एडवांस में सिखाने वाला, वही सॉन्ग रहेगा, और मैं इस पर थोड़ा एडवांस में बताऊँगा कि आप कुछ अलग टाइप से कैसे मिक्सिंग कर सकते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले आपको कुछ पैक का जरूरत पड़ने वाला है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पैक पर ही बताने वाला हूँ। तो आप कोशिश करिएगा वो सब आप खुद डाउनलोड कर लीजिए, या तो मैं जो लिंक दूंगा तो उस पर ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके बाय।